बात ज्ञानवापी मामले की भी करते हैं, जहां आज सुनवाई पूरी हुई है। अगली सुनवाई 26 मई को होगी और वाराणसी कोर्ट में चल रही है ये सुनवाई। सर्वे रिपोर्ट पर कोर्ट ने दोनों पक्षों से आपत्ति मांगी है। तो अगली सुनवाई 26 मई को वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई और अगली सुनवाई अब 26 मई को। तो इस सुनवाई को देखते हुए कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी बढ़ा दी गई है और कचहरी परिसर में जो वादकारी हैं, अधिवक्ता हैं, सहायक हैं, ये सभी जो लोग इस पूरे मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, उन पर किसी भी तरह की जो बातें हैं, जैसे इससे पहले भी कई ऐसे साक्ष्य हैं जिनका जिक्र रिपोर्ट से पहले ही बाहर कर दिया गया, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक है। अधिवक्ता मदन मोहन यादव ने कहा है कि मुस्लिम पक्ष के लोग भी अपनी दलील को पेश कर सकते हैं और पूजा स्थल अधिनियम मानदंडों की अगर बात करें मापदंडों की तो हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि मामला सिरे से खारिज होना चाहिए। कुल मिला के इस मामले को लेकर अपने अपने तर्क हैं, अपनी अपनी बातें हैं, लेकिन फिलहाल इस पर अपडेट यही है कि मामले की सुनवाई जो है चलेगी और ज्ञानवापी मामले में आज की सुनवाई जो है वो फिलहाल पूरी हो गई है 26 मई को। अब अगली सुनवाई तो 26 मई को अगली सुनवाई होनी है इस पूरे मामले में। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।